हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एजुकेशन। मैं आपका फ्रेंड पवन, और आज मैं इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया गया ये प्रीवियस एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का था, तो इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें टोटल जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन थे। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लें। और मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 से जीके स्टार्ट होती है। सो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफ द हड़प्पन्स। तो निम्न में से कौन सा हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक मानकृत उत्पाद था? तो दोस्तों, ऑप्शन हमारा ईंटें हैं, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, टेराकोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए, ईंटें इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was referred to the वृषला और कुलहीना। तो दोस्तों, किसे वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, कुणाल और चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको वृषल और कुलहीन कहा गया था, और ये मुद्रा राक्षस में कहा गया था। जो किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने लिखी थी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्राचीन काल में विख्यात वैद्य चरक किसके समकालीन थे? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कनिष्क थे उनके शासनकाल में चरक उनके राज वैद्य थे, और इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, विच डायनेस्टी एमर्ज एट द क्लोज ऑफ द 11th सेंचुरी। तो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा वंश उभरा? तो दोस्तों, ऑप्शन है पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पाल वंश था वो 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और जो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश था वो भी 8वीं शताब्दी में आया था, जिसकी स्थापना हरिश्चंद्र ने करी थी। और राष्ट्रकूट वंश है जो, वो 7वीं शताब्दी में आया था दोस्तों, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने करी थी, उनका पहला शासक था। तो इसमें 11वीं शताब्दी में यादव वंश था, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने मेरे इंडियन हिस्ट्री के क्रैश कोर्सेज देखे हैं तो आपको वहाँ पे ये अच्छे से मिल जाएगा। आप वहाँ पे देख लें, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। मैंने इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के बारे में मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट डाले हैं, उसमें कहानियों के माध्यम से और ट्रिक्स के माध्यम मैंने पढ़ाई है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कि दिल्ली के किस सुल्तान ने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की नींव रखी थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने एक स्थायी जो अपनी सेना बनाई थी परमानेंट आर्मी, तो अलाउद्दीन खिलजी का करेक्ट आंसर है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको भी कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने ससुर की हत्या करके जो है दोस्तों वो गद्दी पे बैठा था, और वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और मैं बता दूं कि वो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था दोस्तों, और वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसका अपना सेनापति था जो वो मलिक काफूर था, मलिक काफूर भी बहुत शक्तिशाली था। और इसके बारे में तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। और इसने एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ कि इसने स्थाई सेना को जो नगद वेतन देने की शुरुआत की थी इसने। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवाज वॉन्टेड इंडिया टू बी ए हिंदू पद पातशाही। तो किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पद पातशाही बने? तो दोस्तों, ये बाजीराव प्रथम की थी। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रभाव के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण तथा लेखन में हिंदी का उपयोग किया? तो दोस्तों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो केशव चंद्र सेन के प्रभाव के कारण जो है दयानंद सरस्वती ने भाषण और लेखन हिंदी का प्रयोग किया। और मैं आपको बता दूं दयानंद सरस्वती के बारे में कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में कहाँ करी थी? बम्बई में करी थी, बम्बई में। इन्हें उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती को। और दोस्तों, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं कि दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
देखो क्या कहता है 87th क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1927 एट इट्स मद्रास सेशन, कि 1927 में मद्रास का सेशन जो हुआ था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मैं बता दूं कि 1927 में M.A. अंसारी जो थे वो उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, एम ए आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88th, द अर्थक्विक वेव विच पासिस थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, कि भूकंपी तरंगे कौन सी होती है जो धरती के क्रोड से पार होती है। तो वो दोस्तों प्राइमरी वेव होती है। तो पी ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको पी वेव भी कहते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 हम देखते हैं, रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s आर रिलेटेड टू दी, तो दोस्तों ये किससे रिलेटेड होती है, ये होती है वेस्ट लाइज से, तो पछुआ पवनों से, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट्स बिलोंग टू द इंडियन ओशन। तो देखो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आवा है कि निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो दोस्तों वो एगुहाल्स धारा है। ठीक है, एगुहाल्स करंट, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, द सॉइल दैट अकर इन कॉनिफर्स फॉरेस्ट रीजन, तो ऑप्शन है हमारे पास पोटोजोल सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। तो दोस्तों शंकुधारी वनों में क्षेत्रों में जो बनने वाली सॉइल होती है वो पोटोजोल सॉइल होती है, ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर लेटराइट आती है रेगड़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल होती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत फर्टाइल सॉइल होती है एलुवियल सॉइल। ठीक है दोस्तों, उपजाऊ होती है मतलब बहुत। ठीक है, जित इंडो गैंगेटिक एरियाज है, ठीक है, जो नदियों द्वारा लाई जाती है, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी जो कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो डी इसका सो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज, ठीक है, कौन सा जनसंख्या को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन है क्लाइमेट, क्लाइमेट का कोई उसमें रोल नहीं है, सॉइल का भी कोई रोल नहीं है, फिर लीफ आता है यानी कि भू आकृति, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सोशल इकोनॉमिक फैक्टर इसका कुछ नहीं है, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नो क्रेक किसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखो दोस्तों ये अभी लेटेस्ट HS एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, ये 26 मई को हुआ था। तो जो नो क्रेक है दोस्तों ये गारो पहाड़िया की है, और ये कहाँ है दोस्तों, ये मेघालय में है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे आपकी नो क्रेक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, गारो पहाड़ियों की। ठीक है, कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम 94th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ऑन इट्स राइट बैंक। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो गंगा नदी की उसके दाएं ओर बहती है, तो ये सोन नदी है दोस्तों, आप मैप में देख ले, सोन नदी जो है गंगा के राइट साइड बहती है। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव इम्पॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड एक्सेप्ट। देखो क्या कह रहा है कि लौह अयस्क किन किन राज्यों में पाया जाता है, किसको छोड़ के। तो देखो आंध्र प्रदेश में भी है लौह अयस्क, ठीक है जी, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि किस राज्य में चाय के बगीचे नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई चाय का बगीचा नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई बगीचा नहीं है, हिमाचल में भी है, ठीक है, कांगड़ा में, और तमिलनाडु में भी है। तो यानी कि इसके दोनों ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, ए एंड सी इसका दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज नॉट द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वायुपोत निर्माण का केंद्र नहीं है। तो दोस्तों जो कोरापुट है ये भी है, ठीक है, लखनऊ भी है, बेंगलोर में, यहाँ सब सभी जगह में एयरक्राफ्ट बनते हैं, लेकिन आदमपुर में नहीं बनते दोस्तों, आदमपुर जो पंजाब में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैव गिवन असिस्टेंस मेनली टू डेवलप। देखो क्या कहता है, मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को सहायता दी जाती है। तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फार्म्स, कॉटेज इंडस्ट्री और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये जो है ये मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
गरीबी का अनुमूलन करके किसकी इच्छा थी कि प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पहुंचा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसने किसकी इच्छा थी दोस्तों, तो ये जवाहरलाल नेहरू की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 100, क्या कहता है, द टर्म स्मार्ट मनी रेफर टू फॉरेन कंट्री इंटरनेट बैंकिंग US डॉलर्स या क्रेडिट कार्ड्स। तो जो किससे रिलेटेड है स्मार्ट मनी, वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है दोस्तों, सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप किसी भी सेंट्रल और स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिलेंगे। और मैं सुबह ही हिमाचल प्रदेश के जो टॉप 10 GK 8 बजे अपलोड कर देता हूँ दोस्तों, तो वो ज़रूर देखें आप, उसमें बने रहें। ठीक है दोस्तों, सो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के लिए कुल कर राजस्व का मुख्य स्रोत है, तो दोस्तों वो हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, निगम कर। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM एम्स एट इंश्योरिंग एडुकेट सप्लाई ऑफ, तो ये राइस वीट और पल्स का होता है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत बाई 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मैंशनड इन। अब देखो दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, वो 1993 में हुआ था, 1993 में। ठीक है जी, फिर क्या कहता है, और इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है जो कि 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, 11th शेड्यूल में। और दोस्तों इसमें टोटल कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, और 12वीं अनुसूची किस लिए, वो उसमें शहरी के बारे में बताया है। ठीक है, 12वीं से उसमें टोटल 18 विषय हैं। ठीक है, तो ये विधानक का अभी ये आई थिंक ये TCT में ये क्वेश्चन आया था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये ध्यान रखेंगे 29 विषय हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंसिडर द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि क्या कहता है, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया, तो ये B.R. अम्बेडकर ने बताया दोस्तों। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ की परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन में आता है, तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इधर जो है दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होती है, ऊर्जा मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इन दोनों में से इसका कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है इनका वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। चाइनीज़ पार्लियामेंट इज़ नोन एज, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइनीज़ संसद को क्या कहते हैं, तो उसको नेशनल पीपल कांग्रेस है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 107, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअली इसमें दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखो यहाँ पे आपने वर्ड पकड़ना है कलेक्टिवली, यानी कि सामूहिक तौर पर। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा संघ का मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए। ध्यान रखेंगे सामूहिक तौर पे बात की गई है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर यहाँ पे इंडिविजुअली पूछा जाए तो इंडिविजुअली दोस्तों वो प्रेसिडेंट के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सामूहिक तौर पे लोकसभा के लिए और इंडिविजुअली राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब देखो क्या कहता है, कानून संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में परामर्शी सुझाव प्राप्त करने का अधिकार किसे हैं, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को होता है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो है किसी भी जो मुजरिम होता है उसकी जो है वो सज़ा माफ़ कर सकता है, इवन कि यहाँ पे उसको अगर मृत्युदंड भी दिया जाए तो वो भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द ओनली 30 मेंबर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किस जो संघ और राज्य की विधानसभा 30 सदस्यों से बनी है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, देखो जो पुडुचेरी है वो यूनियन टेरिटरी है, इसकी संख्या 30 है, ठीक है, विधानसभा की। और मिजोरम की 40 है दोस्तों, गोवा की भी है 40, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 68, ठीक है। और मैं आपको पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में परमाणु शक्ति संयंत्रों में मुख्य रूप से प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, प्लूटोनियम 239, प्रचुर यूरेनियम, ड्यूटेरियम, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रचुर यूरेनियम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। ब्रोंज इज एन, ब्रोंज क्या है दोस्तों, देखो एलिमेंट है, केमिकल कंपाउंड है, या एलॉय है, या नन ऑफ दी। तो ये एलॉय है, ठीक है, मिश्र धातु है दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112, अ फैट सॉल्युबल विटामिन इज, देखो किस वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों, तो वो होता है ऑप्शन सी, विटामिन डी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी किससे मिलता है दोस्तों, आपको सभी को पता है, सूरज की रोशनी से और दूध से मिलता है, ठीक है। तो डी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्टिफिशियल डायलिसिस इज रिकमेंडेड इन मलफंक्शनिंग ऑफ, देखो क्या कहता है कि अब सभी को ही पता होगा कि डायलिसिस किसकी चीज़ के होते हैं, किडनी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन किडनी कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पेनक्रियाज, हार्ट्स एंड गॉल ब्लैडर, तो इसका नन ऑफ दिया आंसर होगा, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये कुछ जनरल स्टडी के क्वेश्चन थे, और इसके बाद इसमें थोड़े से क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसमें थोड़े से दो तीन क्वेश्चन हिंदी के, वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, ठीक है। सो हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, 127, अर्थ से प्रत्यत बनता है। देखो दोस्तों मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं, ठीक है, जो हमारे प्रत्यत होते हैं वो हमारे बाद में लगते हैं, किसी भी शब्द के साथ बाद में लगता है जो प्रत्यय होता है, और उपसर्ग होता है वो पहले लगता है। आप अगर आपको नहीं पढ़े हो तो आप, मैं लिंक दूंगा इसमें, आप इसमें वीडियो देख लें, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो अर्थी, अर्था, धनार्थ, आर्थिक, तो ये कोई भी नहीं है दोस्तों, इसका सारे ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें कुछ है नहीं, तो देखेंगे कि कमीशन ने इसमें क्या आंसर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट देखते हैं, रजनी रमणी युगम शब्द से क्या अर्थ है, तो इसका मतलब रात, स्त्री का मतलब है, रजनी से रात, रमणी से स्त्री। अब देखो दोस्तों 129 जो क्वेश्चन है, आजीवन में क्या समास है, और समास के बारे में मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो आप लिंक प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। तो मैं इसको बता देता हूँ, समास द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष। तो दोस्तों आजीवन में अव्ययी भाव समास है। अब मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि जो दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है उसका प्रथम पद, यानी कि एक प्रथम पद होता है, एक उत्तर पद होता है, तो प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, प्रधान का मतलब है छोटा शब्द रखता है और ज़्यादा उसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आजीवन, आ प्लस जीवन है ना, देखो आ प्लस जीवन, तो छोटा पद यहाँ पे आ है और प्रधान पद भी है। अब आ जब लग जाएगा तो आजीवन, जीवन भर, यानी कि ये पूरा मतलब चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला शब्द प्रधान है, ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में जाके समास की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जरूर देखें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।